बड़ा खिलाड़िया ना तू तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। कहाँ है तेरा भाई? शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है। दिन गिनना शुरू कर दे पांडे, वक्त तुम्हारा खराब आया और दिन हम गिने। इंडिया में गैस पाइपलाइंस का कल्चर धीरे धीरे आ रहा है। सिलेंडर्स अब ओल्ड स्कूल की कैटेगरी में जाते जा रहे हैं। एटलीस्ट मिडिल क्लास लोगों को तो ये सुविधा पहुंच ही गई है। हर घर में गैस पाइपलाइंस होना ही आगे का विजन है, मगर इन गैस पाइपलाइंस का इंस्टॉलेशन करवाना अभी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो हर जगह अभी तक हुआ नहीं है। कुछ स्टेट्स जैसे राजस्थान, यूपी, हरियाणा ऐसे हैं जहां पर ये इंस्टॉलेशन अभी 30% से भी कम है। तो यहां पर ऑब्वियसली गैस सिलेंडर्स की सप्लाई की जाती है। ऐसे में ऐसे लोग जो गैस सिलेंडर्स सप्लाई करते हैं उनकी दादागिरी बढ़ती जा रही है। हुआ ये कि राजस्थान के एक जिले में ऐसे ही गैस सिलेंडर्स को सप्लाई करना था। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही गैस सिलेंडर वाला था जिसके पास 20 वर्कर्स थे। हर एरिया के वर्कर्स बंधे हुए थे और गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम सिलेंडर्स भी जाने जरूरी थे, मगर यहाँ का ओनर करता था अपनी मनमानी। हुआ यूं कि ये ओनर जिसका नाम चौबे था वो लोगों को सिलेंडर्स सप्लाई नहीं करता था। ये जगह राजस्थान की थी जिसका नाम मकराना था, और तो और ये वहाँ का एक लौता सिलेंडर सप्लायर था और इसका बड़ा सा वेयर हाउस था जहाँ पर सिलेंडर्स लोड किए जाते थे। और तो और एरिया के हिसाब से डेट्स भी डिसाइडेड होती थी, मगर ये ओनर सिलेंडर्स का सप्लाई डिले करता रहता था। इससे उसे कोई पैसे नहीं मिलते थे, बस ये अपनी ईगो को खिलाता रहता था। एक्चुअली में ये ओनर अटेंशन सीकर था, इसे अच्छा लगता था लोग इसके पास आकर विनती करें, और ये आराम से खटिया पर बैठकर इनकी बात सुनता था और उनसे वादा करता था कि ये सिलेंडर वो भिजवा देगा, मगर सिलेंडर आता ही नहीं था। बार बार बहुत लोग आते थे और ये उन्हें वादा देकर भेज देता था। अब कुछ लोगों ने मिलकर इसकी कर दी कंप्लेंट, तब जाकर पुलिस को इस चीज़ की खबर मिली, और इसी के चलते पुलिस ने इसे एक बार दो बार वार्निंग भी दी, मगर चौबे माना ही नहीं। उसके बाद आए DSP साहब, इनका नाम तिवाड़ी सर था। उन्होंने चौबे को उठाया और सीधा जेल में ले गए। ये रात के अंधेरे में हुआ था और उसके बाद से चौबे सुधर गया। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी हमें देखने को मिल सकती है फिल्म दबंग 4 में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।